अंजलि तू तो मैथिली के साथ शॉपिंग गई थी ना, घर कब आई? और ये क्या हालत कर रखी है कमरे की? हाँ, कुछ ढूंढ रही थी क्या बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इतनी धूप में तुम दोनों सहेलियां शॉपिंग गई थी? सर में जरूर गर्मी चढ़ गई होगी। नींबू पानी बनाकर लाऊं? मैं ठीक हूं मां। तो फिर मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? अरे आज इतना अच्छा दिन है, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है तुझे। अच्छा जा, ड्राई क्लीनर से अपनी पीली सलवार लेकर आ, पापा का फेवरेट कलर। जा जल्दी कर। मैं नहीं जा रही ग्रेजुएशन सेरेमनी में। नहीं जा रही हूं मतलब? अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? पता है तेरे प्रिंसिपल क्या कह रहे थे जब कल मैं तेरे कॉलेज आई थी? कह रहे थे कि अंजलि जैसी ऑलराउंडर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। कहते हैं मिसेस रावत मुझे जलन होती है आपसे, काश अंजलि जैसी मेरी भी बेटी होती। झूठ बोल रहे थे वो माँ। अच्छा अब समझ गई, जरूर पापा ने मैसेज भिजवाया होगा कि वो नहीं आ पाएंगे। बेटा तुझे तो पता है ना पापा को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते, पर वो क्यों झूठ बोल रही हो माँ? पापा नहीं आएंगे क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते, वो मुझे ही नहीं चाहते, वो बेटी ही नहीं चाहते, मैं इस दुनिया में हूँ यही नहीं चाहते पापा। नहीं बेटा ये सब ऐसा नहीं है। बस करो माँ, कब तक झूठ बोलती रहोगी? मैंने आपको और पापा को बात करते हुए सुन लिया है। तो उस वक्त घर में थी? पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, पापा नहीं चाहते थे ना कि मेरा जन्म हो? चुप रहने से सच नहीं बदलने वाला, और सच यही है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है, वो मुझसे नफरत करते हैं। वो तेरे पापा है, वो तुझसे नफरत कैसे कर सकते हैं? पर वो मेरे पापा होना ही नहीं चाहते थे। आज तक उन्होंने कभी तुझे डांटा है? कभी हाथ उठाया है? तूने जो भी मांगा सब मिला है ना? कितना ख्याल रखा है तेरा। पर प्यार कभी नहीं किया। तू गलत समझ रही है उन्हें। मैं गलत समझ रही हूँ? मेरे पैदा होते ही वो हॉस्पिटल से चले गए थे, मेरी शक्ल तक नहीं देखी उन्होंने, मेरी और पापा की एक भी फोटो नहीं है घर में। इसे प्यार नहीं नफरत कहते हैं माँ। ऐसा नहीं है बेटा, वो प्यार करते हैं तुझसे। हाँ लेकिन वो और पापा जैसे नहीं है। लेकिन इसकी भी वजह है। बैठ। दो बहनों के बाद अकेले भाई थे वो, घर का इकलौता बेटा। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा उनके खानदान का नाम आगे बढ़ाए। और जब तू पैदा हुई तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे और बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए तेरे पापा वो मुझे इसका जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए मुझसे नफरत। नफरत? नफरत नहीं, दोष। दोष देते हैं वो तुझे भी और मुझे भी। मैं उनको बेटा नहीं दे पाई।
बड़े बड़े ख्वाब देखे थे उन्होंने कि उनका बेटा आर्मी जाएगा, उनसे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा। और यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? मैं चाहती हूँ आर्मी में, उनका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करती माँ। उनकी नजर में दोनों एक बात नहीं है अंजलि, बेटा उनका नाम रोशन करता, बेटी नहीं। बेटा उनके प्यार का हकदार, बेटी नहीं। तुझे वो प्यार करते हैं जितना एक बेटी से कर सकते हैं, उतना प्यार वो करते हैं, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं मत रखना, ये उनके बस की बात नहीं है। आंटी आंजी गए ऊपर छत पे। कंग्रेचुलेशन। माँ मैंने कहा ना मुझे अकेले, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुझे अकेले, ये कोई दिन है अकेले रहने का। टेंटेडन अंजी, तेरी ट्रॉफी, कंग्रेचुलेशंस। ओए तू आँख खोल के सो रही है क्या? एटलीस्ट 50 टाइम्स फोन किया है मैंने तुझे, उठाया क्यों नहीं? ओ माय गॉड अंजी, तुझे आना चाहिए था, पता है सब लोग बस अंजलि अंजलि कर रहे थे। और पता है अपने प्रिंसिपल ने क्या कहा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर अंजलि रावत हजारों में एक है। और क्योंकि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, सब आके मुझे कंग्रेचुलेशंस करने लगे। तेरी वजह से मैं भी फेमस हो गई यार, मैंने भी ना टोटल एटीट्यूड दिखाया। ओके ओके एक एक करके आओ, भीड़ मत लगाओ यार, मैं बता दूंगी अंजलि को। ओए तू ओके तो है ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा चल छोड़, ये ट्रॉफी हाथ में पकड़, मैं तेरी फोटो लेती हूँ। चल छोड़ ना मैथिली, चल ना स्पोर्टिंग हो जा थोड़ी, क्लोजअप में फोटो लेते, लगेगा कि तू फंक्शन में थी, बाद में थोड़ी ना किसी को याद रहता है। चल ना, चल। अब इतने नखरे क्यों कर रही है तू? हाँ सब इतने खुश हैं और तू यहाँ मुंह लटका के बैठी हुई है। तुझे लगता है कि सब खुश है? झूठ, मेरे पापा खुश नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये ट्रॉफी मिली है। बात क्या अंजलि? मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं मैथिली। क्या पागल है क्या तू? हाँ वो मुझसे नफरत करते हैं यार, जस्ट बिकॉज वो तेरे फंक्शन में नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने खुद कहा ऐसा, वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं। आज ये अवार्ड अंजलि रावत को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो स्पेशल हो। अंजलि रावत कुछ स्पेशल कर ही नहीं सकती, वो स्पेशल हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो बेटी है। तो बेस्ट स्टूडेंट की ये ट्रॉफी उसे दी जाएगी जो स्पेशल है, और वो है ब्रिगेडियर जगत सिंह रावत का बेटा, वो बेटा जो अंजलि रावत की वजह से पैदा नहीं हो पाया। ये ट्रॉफी उस बेटे को दी जाती है। तालिया।
ये क्या टूटा हुआ पड़ा? वो आपके अरमान और आपके सपने हैं पापा, सॉरी मुझसे टूट गए। सरिता, टूटने से बचाना मेरे बस में नहीं था पापा, पर जोड़ना मेरे बस में है। बेटी होना मेरे बस में नहीं था, पर बेटे से बढ़कर होना मेरे बस में है, जैसे कि आप चाहते थे। ये मेरा वादा है आपसे पापा, आपकी जिंदगी से बेटे की कमी मिटाना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।